नमस्ते सलाम शोकल आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम गगन है और आज हम एक फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉरबिडन एम्पायर, जो कि 2014 में आई थी। तो अपने श्रवण इंद्रों को मेरे मुखार बिंदु की ओर केंद्रित करें क्योंकि बहुत ही दिलचस्प फिल्म है। और हाँ दोस्तों, अगर मेरी आवाज में आपको एक्सप्लेनेशन सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग ज्यादा बार मिल सके। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत एक कहानी से होती है जिसमें बताया जाता है कि ये बात 17वीं शताब्दी की है। इस टाइम लोग बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल थे, लोगों को चीजों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। इस वक्त ना तो नक्शे बनाए जाते थे और ना ही देशों की कोई सीमाएं थी दोस्तों। अभी एक फैंटेसी मूवी है तो दोस्तों इसमें एक ईविल गॉड के बारे में बताया जाता है जो कि काफी खतरनाक था। कोई भी उसकी आंखों में देखने की जरूरत नहीं कर सकता था क्योंकि जो भी देखता था वो मर जाता था। उस टाइम यहाँ की जवान लड़कियां फूल पत्ती वाली प्लेट में मोमबत्तियां जलाकर पानी में बहा दिया करती थी। उनका मानना ये था कि उनकी शादी उसी से होगी जिससे वो प्लेट मिलेगी। वहां एक लड़की जिसका नाम नस्तुसिया था, उसको राजा की बेटी की डेड बॉडी मिलती है जिसकी वजह से वो बहुत डर जाती है और पानी में गिर जाती है। इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर एक अजीब सा क्रिएचर आता है और वो नस्तुसिया को पानी के बाहर रख देता है। उस भेड़नुमा क्रिएचर के बहुत सारे सीन थे। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है, बहुत ही पैनोरमिक है। एक पेड़ चल रहा है, उसकी टहनियां पानी में गिर रही है। इसके बाद राजा को उसकी बेटी की बॉडी मिलती है। यहाँ पर पता चलता है कि राजा की बेटी मरी नहीं थी बल्कि उसमें थोड़ी बहुत जान अभी बाकी थी। वो अपने पिता से कहती है कि मेरी एक आखिरी इच्छा है, वो ये है कि कोई पादरी उसकी डेड बॉडी को 30 दिन तक चर्च में रखकर उसके लिए अगर प्रार्थना करे तो वो सबको बता देगी कि उस भेड़ नुमा जो क्रिएचर जिसके बहुत सारे सींग थे उसके पीछे कौन है उसके बारे में बता देगी, और वो पादरी 30 दिनों के लिए वहीं रहना चाहिए। ये कहते ही राजा की बेटी मर जाती है। इसके बाद राजा अपनी बेटी की डेड बॉडी को एक चर्च में ले जाता है। वो एक पादरी से कहता है कि तुम चर्च में रहोगे पूरे 30 दिनों के लिए और मेरी बेटी के लिए प्रे करोगे, जिसके बदले मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। अगर तुम यहाँ से भाग गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके बाद वो पादरी अपनी प्रार्थना स्टार्ट कर देता है। वो अपनी किताब खोलता है जिसके बाद वहां पर धुआं आने लगता है। वहां की सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं, इससे वो डर जाता है। वहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है और क्राइस्ट की मूर्ति के चारों तरफ सफेद फूल आ जाते हैं। वो पादरी वहां पर एक सर्कल बना लेता है क्योंकि उसे डर लगता है और उसे ऐसा बिलीव था कि जब तक वो सर्कल में रहेगा वो बचा रहेगा। लेकिन वहां पर वो बच नहीं पाता क्योंकि वहां पर राजा की उसी बेटी का भूत आ जाता है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर था दोस्तों। उसका नाम जोनाथन है। जोनाथन एक लड़की के संग इंटीमेटेड होता है और तभी वहां पर उस लड़की के पप्पा आ जाते हैं और वो जोनाथन और अपनी बेटी को एक साथ देख लेते हैं। वो जोनाथन से कहता है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, जिस पर जोनाथन कहता है कि हाँ मैं शादी कर लूंगा लेकिन अभी नहीं करूंगा। और तभी वहां से भाग जाता है और अपनी जान बचाकर एक कैरेज में बैठकर वहां चला जाता है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जोनाथन को मैप बनाना आता है और वो मैप बनाना जानता भी है और वो अपने मैप को इसी टाउन से स्टार्ट करेगा और वो पूरे दिन यहाँ पर घूमकर इसका मैप बनाना चाहता था। वो कुछ लेटर्स को कबूतर के थ्रू अपने दोस्तों तक पहुंचाता था। फिर किंग को दिखाया जाता है जो कि किसी दूसरे प्रीस्ट को 1000 सोने के सिक्के देता है और ये प्रीस्ट काफी बूढ़ा होता है। राजा उसे कहता है कि ये सिक्के उस प्रीस्ट को दे दो जो प्रे कर रहा है। प्रीस्ट उससे कहता है कि क्या हम इसका चर्च बनवा दें, लेकिन किंग इस बात के लिए राजी नहीं होता। वो कहता है कि जाओ और सिक्के लेके उसको दे दो। वो प्रीस्ट उस सिक्कों को लेकर निकल जाता है ताकि वो ये सिक्के दूसरे प्रीस्ट को दे दे। लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो काफी हैरान रह जाता है क्योंकि वहां पर वो दूसरे प्रीस्ट की डेड बॉडी को देखता है। वो वहां पर सर्कल बना हुआ भी देखता है। तब वो समझ जाता है कि यहाँ पर इविल पावर्स हैं और इसके वो सिक्के भी वहां पर गिर जाते हैं। वो कहता है कि अब ये जगह बंद हो जाएगी, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। वहां पर दो भाई भी दिखाए जाते हैं जो कि काफी लालची थे। वो सिक्कों को देखकर काफी लालच में आ जाते हैं और उन्हें इकट्ठा करने लगते हैं। प्रीस्ट उनसे कहता है कि हमें ऊपर वाले हिस्से को अच्छे से बंद कर देना चाहिए। और जब वो दोनों भाई ये काम कर रहे थे तो उनमें से एक नीचे गिर जाता है और उसकी आंख में लकड़ी का टुकड़ा घुस जाता है। तभी वहां पर राजा और शहर के लोग भी आ जाते हैं। तभी वो पादरी और दोनों भाई सबके सामने जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस चर्च में बुरी आत्माएं हैं और अब ये चर्च एक शापित चर्च है। दोनों भाइयों ने वो सिक्के वहां से चुरा लिए थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि किसी को उस बारे में पता चले। तब राजा उस पादरी से पूछता है कि इस बात का मतलब क्या है। तभी इस चर्च के आसपास बहुत सारे कौए मंडराने लगते हैं। तभी पादरी राजा से कहता है कि लोगों के बारे में सोचिए और चर्च में ना जाइए। तभी किंग प्रीस्ट की बात मान लेता है। किंग की बेटी की डेड बॉडी भी उसी चर्च में थी। फिर वो एक नई चर्च बनाकर वहां पर प्रे करते हैं ताकि पुराना चर्च हर तरह से सील हो जाए। तभी वहां पर बहुत सारे सुपर पावर्स आ जाती हैं जिस वजह से सारे लोग काफी डर जाते हैं। वो सारे इविल्स प्रीस्ट के पीछे लगी हुई थी।
जिसकी वजह से सब लोग भगवान को याद करने लगते हैं। फिर वो भेड़ वाला बहुत सारे सींगों वाला क्रिएचर चर्च के ऊपर बैठा हुआ था, वो सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद वहां पर बहुत सारे कौए आ जाते हैं। इसके बाद इस बात को एक साल गुजर जाता है। अब वहां पर जोनाथन भी आ गया था। वहां पर उसे कुछ लोग भी मिलते हैं जो अपने अपने काम करने में व्यस्त थे और मजे ले रहे थे। दो लोगों से वो बात भी कर रहा था और उसे एक साल पहले की घटना के बारे में बताते हैं। वो ये भी बताते हैं कि पिछले साल हम वहाँ छुट्टियां मनाने गए थे और हमारा एक दोस्त वहाँ पर खो गया जो कि एक पादरी था। वो एक दिन रास्ता भूलकर गलत रास्ते पर चलने लगे थे। वो वहाँ एक बूढ़ी औरत के घर रुके थे। फिर हमारे दोस्त पादरी को एक बहुत ही अजीब चीज नजर आने लगती है। फिर वो वही बूढ़ी औरत हमारे ऊपर अटैक कर देती है और वो उस पादरी को उड़ाकर अपने साथ आसमान में ले जाती है। फिर पानी में उस औरत का अक्स नजर आता है तो हम देख पाते कि वो कौन है। वो कोई नहीं बल्कि उसी राजा की बेटी थी। फिर हमारा वो दोस्त यानी कि वो पादरी गायब हो गया। फिर हमें गांव वालों ने वहां से जाने के लिए ऑर्डर दिया। जोनाथन कहता है कि यार मुझे तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं है। उनका मजाक उड़ाने लगता है, इसीलिए वो जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि वो बिल्कुल भी ट्रेडिशनल नहीं था। वो कहता था कि मैं विज्ञान में यकीन रखता हूँ। फिर जोनाथन जो बाहर निकलता है तो उसके घोड़े अपने आप से चलने लग जाते हैं। तब जोनाथन उनके पीछे भागता है और जल्दी से कैरेज में चढ़ जाता है। वो देखता है कि वहां पर अजीब से जानवर उसका पीछा कर रहे हैं। फिर वो अपने घोड़ों को भगाने लगता है लेकिन इसी दौरान उसके कैरेज में आग लग जाती है। वो इन जानवरों को शूट भी करता है लेकिन फिर भी वो उसका पीछा करते रहते हैं। वहां बहुत सारे क्रॉस भी लटके होते हैं। फिर जोनाथन उनसे बचता हुआ आखिरी वाले क्रॉस को फेंक देता है। वहां गांव के लोग काफी डरे हुए होते हैं। जोनाथन वहीं पर आकर गिरता है। वहां वो बुरा प्रीस्ट भी था। वो एक किताब देखता है और बताता है कि ये भी शैतान का भेजा हुआ आदमी है। तब जोनाथन इस बात को इग्नोर करता है और वहीं रहने का इरादा करता है तब तक जब तक वो अपनी मैप मशीन ठीक ना कर ले। अब यहाँ पर प्रीस्ट किंग के ट्रेडिशनल बातों से तंग आ चुका था क्योंकि किंग की बेटी अभी भी उस चर्च में थी और वो चाहता था कि अपनी बेटी का फ्यूनरल करे, अच्छे से गुड बाय करे उसे। अब किंग को जोनाथन के बारे में पता चलता है और वो उसे चुपके से अपने पास बुलाता है। अब किंग जोनाथन को उस टाउन का मैप बनाने के लिए कहता है जिसमें उसने चर्च को टाउन के बिल्कुल सेंटर में बनाना है। किंग उससे कहता है कि इसके बदले में तुम्हें 1,000 सोने के सिक्के दूंगा और इस काम में मेरा एक साथी भी तुम्हारी मदद करेगा। तब किंग उसे एक काम छुप कर करने के लिए कहता है लेकिन प्रीस्ट को ये बात पता चल जाती है और वो उन्हीं दो भाइयों को बुला लेता है। उन दोनों भाइयों को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुमने वहां से सिक्के चुराए हैं, इसीलिए किसी भी तरह करके चर्च को खुलने नहीं देना। फिर ये दोनों भाई जोनाथन के पास जाते हैं और उन्हें अपनी अपनी स्टोरी सुनाते हैं। एक भाई कहता है कि मैंने देखा था कि किंग की बेटी दोबारा जिंदा हो गई और उसके पीछे बहुत सारी झाड़ियां भी थीं और वो उस पादरी को बहुत मारती है जो उसके लिए प्रे कर रहा था। वो पूरे चर्च को भी झाड़ियों में बदल देती है। और फिर दूसरा भाई कहता है कि वो प्रीस्ट भी किंग की बेटी को मार देता है और जिस कॉफिन में किंग की बेटी की डेड बॉडी थी वो हवा में उड़ने लगती है। फिर वो प्रीस्ट उस कॉफिन को कुल्हाड़ी से काटने लगता है जिसकी वजह से उस कॉफिन से खून निकलने लगता है। वो प्रीस्ट काफी कोशिश करने के बाद ही वो किंग की बेटी को मार पाता है और उसके बाद वो खुद भी मर जाता है। अब जोनाथन उनकी किसी भी बात पर घंटा यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि साइंस इज बेस्ट, ऑल इज फिक्शन, ये दोनों तो दारू पी के कुछ भी बकवास करे जा रहे हैं। और तभी जोनाथन को उनके चेहरे नजर आते हैं और वो एकदम से जानवर में तब्दील होने लगते हैं और अब उसे राजा की बेटी की रूह भी वहाँ नजर आती है जिसकी वजह से वो डर जाता है। और अब वो इस सब पर यकीन कर रहा था। वो अपने चारों तरफ एक घेरा बना लेता है। वहाँ एक बाल्टी भी गिरती है जिसमें बहुत सारा तेल था जिससे वहाँ पर आग लग जाती है। फिर वो खुद को दुष्टों की दुनिया में देखता है। बहुत सारे इविल पीरियड्स वहाँ पर थे। वहाँ वो इविल गॉड को भी देखता है जिसकी बहुत सारी आँखें थीं और वो काफ़ी खौफनाक लगता था। वो इविल गॉड जोनाथन को एक काम देता है कि वो जो शीव जैसा क्रिएचर है उसके बारे में पता लगाए और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें निपटा दूंगा। इसके बाद जोनाथन जब उठता है तो अपने आसपास सबको बेहोश पाता है। वो मैप लेने के लिए चर्च जाता है लेकिन चर्च का दरवाजा बंद था। फिर वो टावर पर चढ़ने लगता है और दो भाइयों में से एक उसे देख रहा था। हम देखते हैं कि जोनाथन का पाइप तो बाहर ही रह गया है। अब यह दिखाया जाता है कि दूसरा भाई जमीन में कुछ सिक्के दबा रहा था। उधर जोनाथन का बैग गायब हो गया था। वो देखता है नीचे और समझता है कि शायद वो बैग चर्च के अंदर गिर गया है, इसीलिए वो उसे देखने लगता है। लेकिन चर्च में क्रॉस लटक रहा था जो जोनाथन को एकदम से लगने ही वाला था। उससे बचने के लिए जोनाथन पीछे हटता है और तभी जोनाथन का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो नीचे गिर जाता है और उसके साथ उस किंग का वो साथी भी था। और जब वो देखता है तो समझदारी दिखाते हुए जोनाथन को वो बचा लेता है। अब जोनाथन चर्च में जाने की काफी कोशिश करता है लेकिन उसका वो साथी उसे जाने नहीं देता। थोड़ी देर बाद वो दूसरा भाई सिक्के लेने के लिए वहां पर आता है लेकिन वो सिक्के वहां पर नहीं थे बल्कि जोनाथन का पाइप वहां पर था, इसीलिए उसे अपने भाई पर शक होता है।
फिर वो बूढ़ा प्रीस्ट अपने भाई की मदद से किंग के साथियों को किडनैप कर लेता है। वो लोग उसे टॉर्चर करते हैं, उसे पूछते हैं बताओ सच्चाई क्या है। तो किंग का वो साथी काफी डर जाता है और सारी बात बताने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वो किंग के साथी को छोड़ देते हैं। यहाँ पर किंग के साथी को पता चल चुका था कि वो लोग जोनाथन और उसे मारना चाहते हैं, इसीलिए वो जल्दी से भागकर जोनाथन के पास आ जाता है। वो जोनाथन से कहता है कि हमें भागना होगा। इसके बाद किंग का वो साथी अपने फ्रेंड के पास जाता है और उसकी फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि वही नेस्तुसिया ही थी। किंग का वो साथी नेस्तुसिया को उसके साथ चलने के लिए कहता है। नेस्तुसिया आज भी वैसी थी जैसी एक साल पहले थी और वो किंग के साथी के साथ चलने के लिए अग्री हो जाती है। और फिर वो बुरा प्रीस्ट गांव के सभी लोगों को किंग के अगेंस्ट कर देता है। जब किंग का साथी भागने की तैयारी कर रहा था तो नेस्तुसिया वहां से गायब हो जाती है। और जब वो नेस्तुसिया को झील के पास जाते हुए देखता है तो उसका पीछा करता है, लेकिन रास्ते में उसे वही खतरनाक भेड़ वाला बहुत सारे सींगों वाला क्रिएचर दिखाई देता है। इसलिए वो आगे नहीं जाता और वापस आ जाता है। उधर दोनों भाई सोने के सिक्कों की वजह से लड़ रहे थे। नेस्तुसिया भी वहां पर आ जाती है और वो ये सब कुछ देख लेती है। इतनी देर में गांव वाले भी वहां पर आ जाते हैं और जब वो गांव वाले को देखता है तो वो चाकू नेस्तुसिया को पकड़ा देता है और ऐसी एक्टिंग करता है जैसे नेस्तुसिया ने उसके भाई को मारा है और अब वो उसे भी मारना चाह रही है। गांव वाले उसकी बात का यकीन करते थे, इसीलिए वो नेस्तुसिया को पकड़ लेते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि नेस्तुसिया में बुरी आत्माएं हैं। जोनाथन और राजा का वो साथी भाग रहे थे, लेकिन तभी वो झील में गिर जाते हैं और तभी वो जोनाथन को उस बैग से खींचता है जो कि चर्च में गुम हो गया था, यानी कि उसका अपना ही था। और जोनाथन को उसका बैग मिल चुका था। वहां उसे शीप जैसे क्रिएचर की स्किन भी मिलती है। इसके बाद वो राजा के पास जाता है और कहता है कि मैं जानता हूं कि आपने मुझे एक मैप बनाने का काम नहीं दिया है, बल्कि आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी बेटी की केयर करूं और साथ ये भी पता करूं कि चर्च में उनके साथ क्या हुआ था। किंग कहता है हाँ ये बिल्कुल सच है। साथ साथ वो जोनाथन से रिक्वेस्ट भी करता है कि प्लीज तुम ये कर दो, तुम ये कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारी नॉलेज है। इस बात के लिए जोनाथन मान जाता है। फिर वो टाउन वाले नेस्तुसिया को सजा देने लगते हैं और उसे मारने का तय करते हैं, लेकिन तभी वहां पर राजा आकर उन्हें ऐसा करने से मना करने का आदेश देता है। लेकिन गांव वाले नहीं मानते क्योंकि वो उस पादरी पर बहुत यकीन रखते थे, इसीलिए वो राजा के सर पर उसे मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। वो जोनाथन को कैद करके एक जगह पर ले आते हैं जहां पर नेस्तुसिया भी थी। और यहां पर जोनाथन को पता चलता है कि नेस्तुसिया वो शीप जैसे क्रिएचर को जानती है क्योंकि वो रोज उसे खाना देती थी और वो झील पर भी इसी वजह से ही आई थी। तब जोनाथन को वहां पर अपना मैप जाता है जिसे उसने बहुत मेहनत करके बनाया था। इसके बाद जोनाथन प्रीस का प्लान सुन लेता है और वो प्लान ये था कि राजा को मार दिया जाए क्योंकि जो भाई जिंदा रह गया था वो राजा बनना चाहता था, तो इसीलिए वो पादरी की मदद करता है। इसके बाद वो लोग नेस्तुसिया को कैसे निकाल कर ले जाते हैं। इसके बाद वहां पर एक आदमी जोनाथन को बचा लेता है। इसके बाद वो आदमी जोनाथन को एक घोड़े पर बिठा देता है। जोनाथन आगे बढ़ता है और वो किंग के साथी को देखता है जो कि उसके साथ ही था। किंग का वो साथी प्रीस्ट के घर को आग लगा देता है। फिर हमें प्रीस्ट और टाउन के लोग दिखाए जाते हैं जो कि नेस्तुसिया को एक बोट पर बांध देते हैं। प्रीस्ट सबको कहता है कि अगर नेस्तुसिया झील के पानी में डूब गई तो वो सच में कोई विल स्पिरिट थी, अगर वो नहीं डूबी तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल ठीक है। प्रीस्ट उस बोट में बहुत सारे पत्थर डालकर उसे हैवी बना देता है, साथ ही वह बोट में एक होल भी कर देता है ताकि पानी अंदर आने की वजह से बोट डूब जाए। किंग के साथ ही पर क्रॉस गिरने लगा था, लेकिन जोनाथन उसे आकर बचा लेता है और उसे बताता है कि वह शीप जैसा क्रिएचर कोई इंसान नहीं है और हमें किसी भी तरह करके इस दुनिया को बचाना है। उधर नेस्तुसिया की बोट को पानी में भेज दिया जाता है तो अभी लोगों की नजर एक पेड़ पर पड़ती है जिस पर वही शीप जैसा क्रिएचर आने लगता है। ये देखकर गांव वाले उसकी तरफ भागने लगते हैं। प्रीस्ट उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो उन्हें नहीं रुक पाता। फिर जोनाथन चर्च का दरवाजा तोड़ देता है और अंदर चला जाता है और वह ये देखकर काफी हैरान रह जाता है कि किंग की बेटी की डेड बॉडी वैसी की वैसी ही है और उसकी बॉडी पर ताजे फूल भी रखे हुए हैं। तभी वहां पर एक आदमी आकर जोनाथन के मैप को चुराने की कोशिश करता है। तब जोनाथन उसे गोली से डरा कर रोक देता है और तभी यहां पर हम देखते हैं कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रीस्ट खुद ही था, वही वाला प्रीस्ट जो किंग की बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा था। वो जोनाथन को बताता है कि जो फ्लावर्स की प्लेट में कैंडल्स रखी जा रही थी तो राजा की बेटी वाली प्लेट मैंने उठा ली थी और तभी एक शीप जैसे क्रिएचर ने मुझ पर अटैक कर दिया। इस दौरान नेस्तुसिया भी पानी में गिर गई, तब मैंने शीप जैसे क्रिएटर की स्किन पहनकर नेस्तुसिया को बचा लिया। इसीलिए नेस्तुसिया हर रोज मुझे खाना खिला रही थी और मैंने कई बार भागने की कोशिश भी की, लेकिन मुझे इस बात का डर था कि अगर मैं पकड़ा गया तो बहुत बुरा हो गया और गांव वाले मुझे मार डालेंगे। और मैंने उन दोनों भाइयों के सिक्के चुराए थे और उन्हें आपस में लड़वाया भी था। वो बताता है कि चर्च में मुझे 3 दिन गुजर गए थे
लेकिन फिर मुझ पर किसी ने अटैक कर दिया। तब जोनाथन उससे पूछता है कि किसने अटैक किया था, तो वो जोनाथन के पीछे इशारा करता है और वहां पर कोई और नहीं बल्कि वो बुरा प्रीस्ट ही था जो कि जोनाथन पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। और ये था वो प्रीस्ट जिसने दूसरे प्रीस्ट पर अटैक किया था। फिर हमें राजा का वो साथी दिखाया जाता है जो शीप जैसे क्रिएचर की स्किन पहनकर टाउन के लोगों को अपने पीछे लगा रहा था। तब इस बात का उस लालची भाई को पता चल जाता है और जब वो राजा के साथी को मारने लगता है तो गांव वाले उसे ऐसा करने से रोक देते हैं और वो राजा के साथी को बचा लेते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि ये सब कुछ झूठ है, यानी कि कोई शीप जैसा क्रिएचर है ही नहीं। फिर वो बुरा प्रीस्ट दूसरे प्रीस्ट को भी किंग की बेटी के साथ कॉफिन में ही बंद कर देता है और यहाँ पर वो रिवील करता है कि सब कुछ मैंने ही स्टार्ट किया था क्योंकि मैं राजा की बेटी को बहुत पसंद करता था और मैंने ही शीप जैसे क्रिएचर की स्किन पहनकर किंग की बेटी पर अटैक किया था। तो अभी जोनाथन को होश आता है और वो बुरे प्रीस्ट को अपने पास पाता है। वो प्रीस्ट जोनाथन को कहता है कि मैं यूरोप से नॉलेज लाया था जो मैं अपने पास ही रखना चाहता था, इसीलिए मैंने इन नई नई तकनीक और इन्वेंशंस को यूज करके ये सब कुछ किया। लोगों को चर्च में जो स्पिरिट्स नजर आ रही थी वो प्रोजेक्शन की वजह से थी। इसके बाद राजा का साथी नस्तोसिया को बचाने के लिए जाता है लेकिन तब तक नस्तोसिया डूब चुकी थी। पादरी जोनाथन को कहता है कि अब तुम मरने वाले हो इसलिए अपनी आखिरी प्रेयर्स कर लो। इसलिए जोनाथन बुक पढ़ने लगता है और उसे अपना बचपन याद आ जाता है। तभी चर्च के बाहर गांव के सारे लोग आ जाते हैं। उनकी आवाज सुनकर पादरी जोनाथन को मारने वाला होता है कि तभी वो क्राइस्ट की मूर्ति आकर उसके ऊपर गिर जाती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। सारे लोग वहां पर आकर इसे मिरेकल कहने लगते हैं। दूसरी तरफ नस्तोसिया की बोट खुद ही ऊपर आ जाती है और वो बच जाती है। और फिर वो लालची भाई वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसका घोड़ा उसे एक दुलत्ती मारता है इसीलिए वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद किंग का साथी और नस्तोसिया की शादी हो जाती है। इसके बाद जोनाथन सबको नई टेक्निक दिखाता है, वही प्रोजेक्टर वाली, ताकि कोई दोबारा कभी बेवकूफ ना बने और लोगों का साइंस में विश्वास बढ़ाता है। इसके बाद राजा की बेटी का फ्यूनरल करवाया जाता है और उसे अच्छे से गुड बाय किया जाता है। इसके बाद जोनाथन अपने कैरेज में होता है। उसे याद आता है कि जब उसने एविल गॉड को देखा था तो उसने उस टाइम बहुत ज्यादा पी हुई थी, इसीलिए सब उसकी हेलोसिनेशन की वजह से हुआ था। इसके बाद जोनाथन आगे बढ़ जाता है। इसके साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों मूवी हमें ये बताती है कि विज्ञान की वजह से इंसान का हमेशा कल्याण होता है। अगर आपको फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।